दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी जब देश के बाहर जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कौन करता है, और क्या वो अपने साथ ही अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियां भी लेकर उड़ते हैं, और उनकी एक दिन की सिक्योरिटी का कितना खर्चा आता होगा, और क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनके एक दिन के खाने की कीमत कितनी होगी, और आखिर क्यों मोदी जी हमेशा उल्टी घड़ी पहनते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के पीएम कौन सी कार का इस्तेमाल करते हैं, और उस कार की कीमत कितनी होगी, और ये कार कितनी सिक्योर है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले पीएम मोदी महिंद्रा स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एसपी जी ने दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माने जाने वाली BMW 760 Li को इस्तेमाल करने का फैसला किया। जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कि एसपी जी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप फोर्स होती है, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात होती है। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। गोली तो छोड़िए, बॉम्ब ब्लास्ट से भी इस गाड़ी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सेम कार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस कार की कीमत की बात करें तो ये 10 से 12 करोड़ के बीच है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब पीएम मोदी देश से बाहर जाते हैं तो वो अपनी गाड़ियों का काफिला कैसे अपने साथ लेकर उड़ते हैं। जब भी पीएम मोदी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। प्रधानमंत्री को देश से बाहर लेकर जाने की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स की होती है। पीएम मोदी के काफले के साथ उनके कई प्राइवेट जेट्स और उनकी कई सिक्योरिटी कार्स भी होती हैं। BMW 760 Li भी उन्हीं के साथ जाती है, और प्रधानमंत्री देश के बाहर भी इसी कार में ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा एसपी जी की टीम भी हमेशा उनके साथ रहती है। जब भी पीएम दूसरे देश में किसी गाड़ी में बैठते हैं तो एसपी जी के जवान सबसे पहले उस कार को चेक करते हैं। देश से बाहर जाने के लिए पीएम Boeing 777 VVIP प्लेन में ट्रैवल करते हैं। इस प्लेन में पीएम मोदी के लिए एक खास लग्जरी बेडरूम, फायर प्रूफ किचन, मेडिकल रूम, लग्जरी बाथरूम और एक आर्म्ड रूम भी होता है, जिसमें बड़े से बड़े हथियार रखे होते हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पीएम मोदी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त उनके साथ दो और डमी हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, जो उनके किसी जगह पर पहुंचने से पहले ही सभी चीजों की जांच पड़ताल कर लेते हैं। इसके अलावा जब भी पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो उनके साथ एक सिक्योरिटी एडिशन हेलीकॉप्टर भी जाता है, जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। इस हेलीकॉप्टर को तभी बाहर निकाला जाता है जब प्रधानमंत्री पर कोई हमला कर दे, जहाँ उनकी सुरक्षा में कोई चूक हो जाए। पीएम मोदी जब भी एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो एयरपोर्ट पर एक घंटा पहले ही नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाता है, जिसमें किसी और प्लेन को उड़ने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होती। अब बात करते हैं कि आखिर पीएम मोदी की सिक्योरिटी में कितना खर्चा आता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में प्रतिदिन 1,62,00,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पीएम मोदी के खाने के बारे में कि आखिर वो क्या खाते हैं और उनके एक दिन के खाने का कितना खर्चा आता है। तो मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी प्रतिदिन योगा करते हैं, जिसके लिए वो सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि सुबह के नाश्ते में वो पोहा उपमा जैसी गुजराती आइटम्स खाते हैं, और दोपहर के समय वो काफी सादा खाना जैसे कि दाल चावल जैसी चीजें ही खाते हैं। पीएम मोदी के सीनियर शेफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री के खाने में ज्यादातर खानन ढोकला, खिचड़ी, बेसन खांडवी, श्रीखंड और ओकड़ा कड़ी जैसी गुजराती आइटम्स होती हैं। इन सभी आइटम्स को काफी शाही तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि वो खास तरह की मशरूम खाते हैं, जो कि हिमालय की पहाड़ियों में ही पाई जाती है। गुच्ची नाम की इस मशरूम की कीमत 30,000 प्रति किलो है। एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी के प्रतिदिन खाने का खर्चा 70,000 से 80,000 के बीच होता है। और दोस्तों, आपने अक्सर ही पीएम मोदी की कुछ ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें आपने उनको उल्टी घड़ी पहने देखा होगा। पीएम मोदी आखिर उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं? इस बात का जवाब उन्होंने खुद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को दिया था। पीएम मोदी कहते हैं कि जब भी वो मीटिंग्स में बैठते हैं तो उन्हें बार बार टाइम देखने की आदत है, इसलिए सामने वाले इंसान को बुरा ना लगे इसलिए वो उल्टी घड़ी पहनते हैं, जिससे वो अगले इंसान को बिना पता चले टाइम देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।